बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, भाई क्लास 9 है और आपका कंप्यूटर का पेपर है, मॉडल पेपर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 60 मार्क्स का है ये, और आपको मालूम है बी और सी सेक्शन 24 मार्क्स के हैं दोनों ही। और जो है इसको हम आज जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें, 2 यानी हाउ कैन वो अप्लाई मार्जिनस इन अ डॉक्यूमेंट्स। तो ये आंसर जो है मैंने लिख दिए आपकी आसानी के लिए, ताकि आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट कर सकते हैं। टू यूज़ प्री डिफाइंड मार्जिनस और टू यूज़ कस्टम मार्जिनस, ठीक है, ये दोनों भी दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप इन द डेटाबेस। तो हमें 3 ये जो है बेनिफिट्स लिखने हैं, ये लिख दिए हैं मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, तो इसको डिफ़ाइन करना है। छोटी सी इसकी जो है डेफिनेशन है वो डिफ़ाइन कर दी है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ अ नेटवर्क स्विच, तो स्विच क्या है, नेटवर्क स्विच क्या है वो बताना है हमें। तो ये इसमें उसकी डेफिनेशन लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द 3 डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये 3 पॉइंट्स जो है मैंने दोनों के यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन हाइपरलिंक इन HTML। तो छोटी सी एक डेफिनेशन है इसकी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, ठीक है, तो ये एथिकल हैकिंग क्या है, ये इसका आंसर जो है थोड़ा सा लेंदी है, मतलब आप देखें अगर आपको बेहतर लगे तो ये पूरा कर लें, नहीं तो अगर इसको भी शॉर्ट करना चाहें तो आप इसमें भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस। तो आपको पता है एंटीवायरस क्यों इंस्टॉल किया जाता है, तो वो हमने यहाँ पे बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। तो ये मैंने लेंदी लिख दी है, मतलब थोड़ा इसमें जो है आप चाहें तो सिर्फ नाम लिख सकते हैं, या एक एक दो दो लाइन में इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, पूरा भी लिख दें तो बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन द टर्म WWW यूज़ ऑन द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो इसको सिर्फ डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफ़ाइन मालवेयर एंड इट्स टाइप्स, मालवेयर क्या है और उसकी जो टाइप्स हैं वो भी मैंने बता दी हैं, तो आपने थोड़ा सा मालवेयर को इस तरह डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन TCP/IP मॉडल, तो डेफिनेशन लिखनी है आपने इसकी, वो लिख दें इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, डिफ़ाइन सॉर्टिंग इन MS Excel, ठीक है, MS Excel में सॉर्टिंग को बयान करना है, डिफ़ाइन करना है, तो वो कर दिया है, छोटी सी एक डेफिनेशन है। सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, डिफ़ाइन टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स TOC, हाउ टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो ये किस तरह से बनते हैं, TOC है क्या, ये सब बता दिए इसमें। इंसर्ट या क्रिएट इन डॉक्यूमेंट किस तरह से है, ये भी इसमें बता दिया है आंसर, मतलब छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 6 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। तो 6 टाइप्स हैं वेबसाइट्स, आप लिखे हैं तो काफ़ी हैं, लेकिन आपने 6 टाइप्स को जो है मैंने इसमें यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशनल, ठीक है, वेबसाइट होती है, उसके अलावा जो है एजुकेशनल होती है, पर्सनल है, बिजनेस है, इंटरटेनमेंट है, ब्लॉग है, सोशल मीडिया है, लेकिन यहाँ पे 6 करनी थी वो मैंने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम। डायग्राम आप बुक से देख लीजिएगा, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं अब वो मैंने यहाँ बता दिए हैं, और इसी की डायग्राम आपने वहाँ पर बनानी है, ER डायग्राम, वो आप बुक से देख कर इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स इन MS Word। ये क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा लेंदी है, अब ब्रेक्स हैं, फिर टाइप ऑफ ब्रेक्स हैं, फिर इसी तरह टाइप्स ऑफ पेज ब्रेक्स, यानी इसी के अंदर सब जो टाइप्स हैं वो भी चल रही हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आंसर इसका थोड़ा सा लेंदी है, आप चाहें तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक्स हैं, अब चूँकि ये पूरा क्वेश्चन बन रहा था, आंसर मतलब बन रहा था, तो इस हिसाब से मैंने तो पूरा इसको लिख दिया है। अब आप अगर इजी लगे तो इसको ज़रूर याद कर लें, नहीं तो इसको चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लें। ये इस पूरे मतलब पेपर में यही क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। अच्छा जी,
उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपका इवन पेज और ऑड पेज ब्रेक्स के ऊपर, ये जो है क्वेश्चन हमारा का आंसर जो है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है बूटिंग है, रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके अंदर। अच्छा, थर्ड जो है यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर है। फोर है मेमोरी मैनेजमेंट है इसके अंदर। फिर जो फाइव है इनपुट आउटपुट IO मैनेजमेंट। और जो सिक्स है वो फाइल मैनेजमेंट है। और इसी तरह जो सेवन है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये थोड़ी सी हेडिंग लेंदी है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को। और उसी तरह अगर हम एट पॉइंट को देखें यूज़र मैनेजमेंट, तो इसको भी चाहें तो जैसे तीन पैराग्राफ पर है, आप इसमें से कोई से भी एक आधा स्किप कर सकते हैं, वैसे तो पूरा याद करें तो बेहतर है। उसके बाद 19 क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंप्यूटर क्राइम्स इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो कंप्यूटर क्राइम्स जो है हमारी डेली लाइफ में काफ़ी होते हैं, आपको मालूम है जितना कंप्यूटर का यूज़ है ऐसे ही क्राइम्स भी होते हैं, जिसमें हैकिंग जो है वो नंबर वन पर है। आप जानते हैं हैक कर लेना किसी के भी अकाउंट को, तो वो है इसमें सबसे पहले नंबर पर। सेकंड है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम। ये जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड होते हैं इनके जो स्कैम होते हैं धोखाधड़ी वो होता है इसके अंदर, ज़ाहिर है सब क्राइम्स के अंदर आता है। फिशिंग हो गया, ये भी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की जमा कर लेना, मतलब ये तरीका भी होता है। उसके अलावा क्लिक जैकिंग, ठीक है, ये भी एक टेक्निक है। और इसमें जो है मतलब एक वीडियो टैग की जाती है, इस तरह की चीज़ें। फिर फाइव साइबर बिलिंग और हरासमेंट, लोगों को जो तंग किया जाता है, जो हरासमेंट की जाती है उसकी बात हो रही है। तो ये आपकी मैंने छोटी सी कोशिश की है, वीडियो बने ज़्यादा लेंदी ना हो, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर इसमें सॉल्व कर दिया है। आई होप कि अच्छी तरह समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ ही समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।